ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमिन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्री युतपद कमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम् सागर जातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तम सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गोपाल। आइए मेरे बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों आज के सत्संग का आनंद लीजिए। स्वागत है आपका। भगवान को प्रणाम करके हम सत्संग प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरेत। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 24 भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन ये संसार की कोई भी वस्तु है ये नष्ट होती है और जो देवताओं के भक्त देवताओं से कोई फल मांगते हैं वो भी नष्ट होता है। ये शरीर भी नष्ट होता है। कोई देवता की कृपा से पुत्र प्राप्त हो जाए उसकी भी आयु होती है नष्ट होता है। अंतवंतु ये इनका अंत होता है। आज बड़े बड़े पुण्य करके धर्म कार्य करके आदमी अभिलाषा करता है इंद्र के पद को लेने की या इंद्रलोक में जाने की स्वर्ग की कामना करता है महान भोगों में उतरने की अप्सराओं के साथ सुराओं के साथ मदिराओं के साथ आनंद भोग लूटने के लिए लेकिन उसका अंत होता है। ये पुण्य क्षीणे सभी मृतलोक में प्रवेश करते हैं यानी मृत्यु के मुंह में ही चले जाते हैं। जितने भी भोग विलास हैं सब मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्यों के बल से यज्ञ दान धर्म इस लक्ष्य से किया जाए कि हमको हे भगवान स्वर्ग मिले। हे इंद्र देवता हम आपको आहुति देते हैं यज्ञ कर रहे हैं ओम इंद्राय नमः हमको स्वर्ग आपका
आपके लोक में हमको बुला लो, हम भी अप्सराओं के साथ ऐश आराम करेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने पुण्यों का पूरा हिसाब दे दिया है तो उसको जरूर स्वर्ग लोक मिल जाता है, देवताओं का जैसा एक शरीर भी मिल जाता है, एक चमकीला विमान भी मिल जाता है, और वो सारे भोग विलास मिल जाते हैं जो उसने सोचे। और भोग विलासों में होगा क्या? अपने ऐसे व्यक्ति के विचारों में जो भोग विलास होंगे स्वर्ग के, होगा क्या? कोई यदि कागज पर लिखे कि भाई स्वर्ग में तुमको भेजा जा रहा है, अभी वहां क्या क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी, तो क्या क्या लिखोगे? एक दिन लिख कर तो देखो। तो यही लिखोगे कि मुझे 100 अप्सराएं चाहिए, सुंदर से सुंदर, सुंदर शराब चाहिए, चमकीला विमान चाहिए जो मन की गति से उड़ता हो, और 100 डल्लभ के गद्दे और मसनद, दासियां चरण दबाने वाली, गर्म पानी तैयार करने वाली, शरीर को रगड़ के मेरे को स्नान कराने वाली, बस इससे ज्यादा क्या लिखोगे? तो ये भोग विलास ऐसे पूर्ण आत्मा को मिल जाते हैं स्वर्ग के। लेकिन जब पूर्ण पूर्ण खत्म हो जाते हैं भोग करते करते, क्योंकि तो पूर्णों की कमाई है ना, स्वर्ग मिला, देवता का शरीर मिला, अप्सराएं मिली, तो जब ये पूर्णों की कमाई खत्म हो जाएगी, पूर्णों का बैलेंस जब खत्म हो जाएगा भोग करते करते, जैसे खाते खाते अन्न खत्म हो जाता है, खाते खाते घी खत्म हो जाता है, जीते जीते शरीर खत्म हो जाता है, ऐसे ही ये पूर्ण भी खत्म हो जाते हैं भोग करते करते। तो पूर्ण खत्म हो जाते हैं तो भोग भी खत्म हो जाते हैं, तो अंत आ गया, फिर वो देवता का शरीर छीन लिया जाता है, वो भोग छीन लिए जाते हैं, स्वर्ग छीन लिया जाता है। तो ये फल जो मिले पुण्यों के, इनका अंत हो गया, यानी मृत्यु के मुंह में चले गए ये सारे फल। इसी विषय में भगवान कह रहे हैं कि अंतु अंतु फलम ते साम भवत्य अल्पमेद साम। अल्प बुद्धि के लोग देवताओं की शरण में जाते हैं और संसारिक भोग विलास मांगते हैं। और कोई देवता प्रसन्न हो जाए तो वो भोग विलास दे भी देता है। फिर उसका अंत होता है। परमानेंट नहीं है यहां पर कोई भी चीज। ये मैटेरियल वर्ल्ड में नथिंग इज परमानेंट। इवन आवर बॉडी, इवन आवर सेटल बॉडी, इवन आवर काजल बॉडी, कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। सबका अंत हो जाता है। ये सुख भोगों का भी अंत हो जाता है, मैटेरियल बुद्धि का भी नष्ट, ये भी नष्ट हो जाती है। जो भी मैटेरियल है आपके पास, भौतिक तत्व सब नष्ट होते हैं। ये अंत अंतु है, इनका अंत आता है, एंड लगता है, दी एंड। जैसे जीवन भर आपने जीवन जिया, जैसे मूवी देखते हैं हम 2 घंटे की, और मूवी के खत्म होने पर लिखा आता है दी एंड, ऐसे हमारे जीवन की सामने भी अंत में यही आता है दी एंड। शब्द बड़ा अच्छा है, हर एक शमशान घाट पे, ग्रेव यार्ड पे ये शब्द होना चाहिए, बड़ा साइन बोर्ड होना चाहिए दी एंड, या लाइफ खत्म हो जाती, कुछ भी हाथ नहीं आता। इतना सारी जीवन मेहनत करी, देवताओं को पूजा, आहुतियां दी, यज्ञ करे, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, और कोई देवता प्रसन्न हो भी गया कभी किसी के ऊपर तो वो दे देगा मन में जो अभिलाषा करी वो वस्तु,
इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत करके खाओ, मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, वो भगवान की शरण में रहो और मेहनत करके खाओ, मेहनत करने से सब मिल जाता है, अन्न मिल जाता है, वस्त्र मिल जाते हैं, साइकिल मिल जाती है, कार मिल जाती है, घर मिल जा, क्या नहीं मिलता मेहनत करने से, सब कुछ मिल जाता है। भगवान आगे बोल रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, तो देवताओं को प्राप्त होके भी क्या करोगे, महान भोगी करोगे। यहां एक पत्नी थी, वहां 100 अप्सराएं घेरेंगी नग्न। यहां एक पत्नी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग, कोई डाइवर्स कोर्ट में ले जाके खड़ा डाइवर्स कर रहा है, रोज झगड़े होते हैं घरों में, कलेश होते हैं, एक दूसरे पे भ्रम होता है, बड़ा चक्कर है। एक पत्नी के साथ में सुंदरता से जीवन व्यतीत हो सकता है, यहीं पर स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, महान भोगों को करने, ये भगवान कह रहे हैं। बोलता है वहां तुमने कोई देवता को प्रसन्न भी कर लिया और इस काबिल तुम हो गए कि देवलोक मिले, तो देवलोक को मिल जाएगा, देवताओं को जैसे शरीर भी, फिर करोगे क्या? वहां सुंदर महल मांगोगे, सुंदर अप्सराएं मांगोगे, सुंदर शराब मांगोगे, चमकीले विमान मांगोगे, और क्या करोगे? इससे क्या होगा? यह भी तो अंत में नष्ट हो जाता है। देवताओं की भी आयु होती है, उम्र होती है, उनके भी शरीर नष्ट होते हैं, उनके भी भोग विलासों का अंत होता है, ये ब्रह्मांड का भी अंत होता है, राख हो जाता है ब्रह्मांड, राख भी नहीं दिखाई देती, विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है, महाप्रलय के मुंह में चला जाता है, महाकाल निगल जाता है। अंतु अंतु फलम तेसाम भवत्य अल्पमेद साम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। और अर्जुन, ये देवताओं को भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं, तो ये श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ? कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ को चुनना चाहता है। इतनी बुद्धि भगवान देते हैं कि श्रेष्ठ क्या है और निकृष्ट क्या है। कोई व्यक्ति के आगे, यानी कुत्ते के आगे भी सड़ा भोजन रख दीजिए और ताजा भोजन रख दीजिए, कुत्ता कभी सड़े भोजन को नहीं खाएगा, सुअर भी नहीं खाएगा, सुअर को भी ताजा भोजन चाहिए, वो भी ताजा विष्ठा खाना चाहता है, कल की बासी विष्ठा नहीं। इतनी बुद्धि भगवान ने सुकर को भी दी है, तो मनुष्य को तो विशेष कंप्यूटर दिया है, विशेष बुद्धि दी है, ये सोच सकता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, श्रेष्ठ क्या है, निकृष्ट क्या है, परमानेंट क्या है, टेम्परेरी क्या है, ये सोच सकता है, विचार सकता है, जान सकता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो ये अच्छे बुरे का ज्ञान संसार में हो जाता है। संसार तो अच्छे बुरे से बना है, जब अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है तो इनसे परे जो सदैव फॉर एवर इटर्नल रहने वाला श्रेष्ठ है उसको पहचान लेता है। इसलिए गौतम बुद्ध भगवान अपने शिष्यों को सदैव यही बोलते थे कि उत्तम शरणम गच्छामि, उस उत्तम की शरण में जाओ। ये संसार उत्तम नहीं है, वो वैकुंठ उत्तम है, ये संसार उत्तम नहीं है। संसार में दावा नल लगी हुई है, कहां से उत्तम होगा? संसार रोगों का घर बतलाया है शास्त्रों में, कलेशों का घर बतलाया है, कहां से उत्तम होगा? उत्तम में कलेश थोड़ी होते हैं, उत्तम में आग थोड़ी लगती है, उत्तम में ईर्ष्या काम क्रोध मद मोह अकड़ जकड़ नहीं होती, सरलता होती है।
सुहृदता होती है, मृदुलता होती है, प्रेममयी होता है, वो उत्तम है, वो वैकुंठ है। उत्तम शरणम गच्छामि, बुद्ध भगवान कहते हैं अपने शिष्यों को, उत्तम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उन महापुरुषों की शरण में जाओ जिन्होंने भगवान को जाना है, पहचाना है, बुद्ध हो गए हैं, ज्ञान का प्रकाश जिनको मिल गया है, उनको ये स्पष्ट हो गया है, उनके भ्रम निवारण हो गए हैं, वो वस्तुओं को वैसे ही देख लेते हैं जैसी वे हैं। हर एक नहीं देख पाता है, अंधा आदमी कैसे देखेगा। ज्ञान प्रकाश जिसको हुआ है उसको मालूम चल जाता है कि बुरा क्या है और भला क्या है और उत्तम क्या है। उत्तम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। धर्म क्या है? आपकी आत्मा का स्वभाव, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, आपकी ओरिजिनल दशा, मूल दशा। मूल दशा में आप आत्मा सच्चिदानंद आत्मा है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण आनंदमय है और इटर्नल है, सदैव फॉर एवर के लिए। और आपका जो स्वभाव है वो प्रेममय है, प्रेम भरा व्यवहार, वो आपकी ओरिजिनल दशा है, वो आपकी मूल प्रकृति है। इसको अंग्रेजी में बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। तो ये धर्म है, उस धर्म की तलाश में हम नाना प्रकार के धर्म करते हैं, उस धर्म को, धर्म की स्टेज को पाने के लिए, उस मूल प्रकृति को पाने के लिए। हमारा मूल स्वभाव जो है वो ही धर्म है। ये स्वभाव जो आज बिगड़ गया है, विकार युक्त हो गया है, कंटामिनेट हो गया है मैटेरियल वर्ल्ड में टच होने से, काम क्रोध मद मोह मत्सर लिपट गए हैं, लालच ईर्ष्या भ्रम प्रकट हो गए हैं, भ्रमों ने घेरा है, खजानों ने घेरा है, तो ये कंटामिनेटेड हुआ स्वभाव ये धर्म नहीं है। धर्म जो है वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, उसको धर्म कहा है। उस धर्म को प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के धर्म करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उस धर्म को पहुंचने के बाद में हमको स्पष्ट भगवान की झलक मिल जाती है कि हम आत्मा है, आत्म रियलाइजेशन, तो फिर परमात्मा भगवान के दर्शन भगवत रियलाइजेशन है। फिर हमको, हमसे जो हायर है, जो हमारा पिता है, उसके भी दर्शन हो जाते हैं, उसकी उनकी झलक मिलना शुरू हो जाता है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि उत्तम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। संगम शरणम गच्छामि, संग कहते हैं जहां साधुओं का संग हो, जहां साधु एकत्रित हुए हो, उनके उनकी शरण में जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनकी सेवा में लग जाओ। साधु संग, साधु संग, साधु संग कीजिए, लव मात्र साधु संग भव तर लीजिए। संगम शरणम गच्छामि, साधुओं के पास कोई जाना नहीं चाहता, बोलता वहां क्या मिलेगा, डॉलर मिलेंगी, आइसक्रीम मिलेगी, साधुओं के पास क्या मिलेगा, वहां चिकन मुर्गी मिलेगी? नहीं भाई, साधुओं के पास तो ये नहीं मिलेगा, साधुओं के पास तो तुमको प्रसाद तो मिलेगा, खाने को शुद्ध प्रसाद मिलेगा, बैठने को आसन मिलेगा और सुनने को हरी कथा मिलेगी, जो आपका, आपकी तमाम कलेश दवा है वो मिलेगी साधुओं के पास। साधु ऐसे वैद्य हैं, मीराबाई ने तो गाया है,
कि मेरो दर्द तो जब ही मिटे जब वैद्य सांवरिया हो, मेरो दर्द तो तभी मिटे जब वैद्य सांवरिया हो। बोले वो सांवरिया वो कृष्ण कन्हैया जब मेरे वैद्य बन के आए तभी मेरे दर्द दूर हो सकते हैं, मेरे दर्द दूर नहीं हो सकते। हे लीली मेरो दर्द न जाने कोई, हे सखी मेरा दर्द कोई नहीं जानता इस संसार में। सूली ऊपर सेज पिया की मिलनो किस विध होए, उस पिया की सेज तो आसमान में है, मेरे तो पंख भी नहीं जो मैं उड़ के चली जाऊं। ये दर्द सिसकियां उठती हैं दिल में, नेत्रों में आंसू सूख गए हैं, पिया अभी तक मिले नहीं है, विरह में जल रही हूं। दर्द ही दर्द है, नस नस में दर्द है, शरीर कांपता है। मेरो दर्द तो तभी मिटे जब वैद्य सांवरिया हो। सखिया पूछती है कि कोई वैद्य को बुला दे, कोई डॉक्टर को बुला दे, तू ऐसे कैसे रहती है उड़ी दी सी, क्या रात को सोती नहीं है? तो ये संत लोग जो हैं, साधु लोग जो हैं, भगवान के भक्त जो हैं, ये निर्मल हृदय होते हैं, ये वैद्य का काम करते हैं। इस संसार से, संसार के कलेशों से, जन्म मरण जरा व्याधियों से मुक्त करते हैं जीवात्मा को। बुद्ध भगवान कहते हैं कि संगम शरणम गच्छामि, साधु संग में जाइए। उत्तम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये चार बातें मनुष्य अपने जीवन में इन चारों बातों को धारण करे तो अवश्य वो निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनकी शरण में जाने का इशारा है बुद्ध भगवान का। बुद्ध भगवान उनके अंश अवतार है, 10 बड़े अवतारों में वो एक अवतार है। अंतु अंतु फलम तेषाम भवति अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि के कारण, अल्प कहते थोड़ी थोड़ी बुद्धि के कारण मनुष्य लोग देवताओं की शरण में भी जाते हैं भोग मांगने के लिए। देवता भोग ही दे सकते हैं, उनके पास कुछ और नहीं है। सारी भोग विलासों की सामग्री देवताओं के पास है। महान से महान भोग वो है, भोगी महाभोगी देवता ही है। ये भौतिक संसार में देवताओं की शरण में जाने वाले, लेकिन इनका फल जो है अंत हो जाता है। और फिर ये देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, अगर प्रेम देवताओं से हो गया तो वहां और भोगों में फंसते हैं। यानी छोटी सी गुड़ की डली थी, उस पर 3-4 मक्खी बैठी थी, खा रही थी, तब तक तो वो इतनी घायल नहीं हुई, लेकिन जब बड़े गुड़ के ढेले पे बैठी, गीला भी था गुड़, तो वो तो उनके पंख फंस गए, वहां पंख चिपक गए गुड़ में, अभी उड़ भी नहीं सकती, फिर इनकी दुर्गति होने वाली है। फिर कोई मकड़ा, कोई कीड़ा मकोड़ा आके इनको खा जाएगा, उड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही वो बड़े महान भोग हैं, ये छोटे भोगों में ही इतने कलेश और इतने विघ्न बाधा हैं, इतने झंझट झमेले हैं, दुख बीमारियां हैं।
जो दाल फुल्की खाता है उसको दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं आती बीमारी शरीर में। गऊ का एक गिलास दूध, दाल फुल्की, फल फ्रूट। लेकिन जो ये नाना प्रकार के जानवरों में रथ हैं, जानवरों को खा रहे हैं, काट काट के, छान छान के पी रहे हैं ब्लड उनका, शराब पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा भांग चरस पी रहे हैं, खा रहे ड्रग्स, हीरोइन हेरोइन इत्यादि, इनके शरीरों में अनेक बीमारी है, इनसे ही अस्पताल भरे हुए हैं पूरे विश्व में। अस्पतालों की बढ़ोतरी इन्हीं 50 वर्षों में हुई है, उससे पहले कहीं दूर बड़े शहर में कोई अस्पताल होता था, गांव में कोई अस्पताल ही नहीं होते थे, लोग सुखी रहते थे। मृत्यु तो महाबीमारी है, वो तो सबके सामने आएगी, इसलिए वो महाभोग है तो उनका अंत होता है, और ऐसा अंत होता है कि कभी कभी देवताओं को भी सुअर तक की योनि माना पड़ता है, वृक्षों की योनि माना पड़ता है, ऐसा पतन होता है। तो फिर ऐसी जगह जाने से मिलेगा क्या, फायदा क्या, बुद्धिमानी क्या? ये तो उच्च विचार नहीं हुए। नहीं, बुद्ध भगवान कहते हैं उत्तम की शरण में जाइए, पुरुषोत्तम की शरण में जाइए, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए। हालांकि वो सीधे नहीं बोल रहे, बुद्ध भगवान नास्तिकों को लाभान्वित करने के लिए संसार में आए, जो भगवान को मानते ही नहीं, न राम को, ना कृष्ण को, ना बुद्ध को, ना जीसस को, ना मूसा को, किसी को नहीं, ना अल्लाह को। ऐसे नास्तिकों को अप करने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, उनके ऊपर भी भगवान दया करते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, तो एक ऐसा अवतार भी अपना भेजते हैं। अंश अवतार से बुद्ध भगवान आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बैठो ध्यान करो। बोलो किस पर ध्यान करें, कृष्ण पे, राम पे, जीसस पे, बुद्ध पे, किस आप पर, किस पर ध्यान करें? उन्होंने कहा कोई है ही नहीं, शून्य पे ध्यान करो। बुद्ध भगवान की पद्धति शून्य पे ध्यान करने की, शून्य पे पहुंचते हुए ही पूर्ण को पा लेता है आदमी। शून्य बोले तो अभिलाषा शून्य,